मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट बदले जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि प्रदेश की 230 सीटों में से केवल 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, वो भी जनता के फीडबैक पर। उन्होंने कहा भाजपा इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि एमपी में 230 सीटों में से सिर्फ 4 प्रत्याशियों को बदला गया है, जनता के फीडबैक पर, जमीनी कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर पुनः विचार किया गया। 2018 में जनता ने कमलनाथ की सरकार बनाई थी, लेकिन हारी हुई बौखलाई हुई भाजपा ने खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। उन्होंने कहा टिकट वितरण में कहीं कोई विरोध नहीं है। 230 सीटों में मात्र 4 सीटें ऐसी थी जिसमें जनता के फीडबैक पर, जमीनी कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर पुनः विचार किया गया, और खुशी है 230 सीटों पर और इन चीजों पर सभी कार्यकर्ताओं में जनता से आए फीडबैक के आधार पर सर्व सहमति से कामयाबी से फैसले लिए गए जो सबको सर्वमान्य है। अब जनता के हाथ में फैसला है कि 17 नवंबर को वो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर क्या फैसला लेगी। हमें उम्मीद है 2018 में पूर्ण बहुमत हमें दिया, लेकिन बौखलाई भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारा, मध्य प्रदेश हारा, वहां उनकी सफल जो है प्रयास असफल हुए सरकार को गिराने के, लेकिन यहाँ वो किसी तरह कामयाब हुई और सत्ता को चोर दरवाजे से, सत्ता धन बल ईडी सीबीआई के दम पर हासिल कर लिया। लेकिन अब 2023 में 17 नवंबर को 150 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी हासिल करके पूर्ण बहुमत की ईमानदार स्थिर सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। लगातार विरोध इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि भारत के नाम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन पटना से 16 के समूह से शुरू हुआ था और बेंगलुरु जाते जाते 26 पार्टियों का समूह बन गया। भाजपा इंडिया गठबंधन समूह से डर गई है। भारत के नाम को बिगाड़ने का, इंडिया का नाम को बिगाड़ने की कोशिश में कहीं आप इंडिया भारत पर जो है वो एक आपत्तिजनक शब्द कर रहे हैं। कल को भारत का भी नाम देशों में या पाकिस्तान में बिगाड़ा जा सकता है, तो अपनी सोच को वो सही करें। और जहां तक है इंडिया गठबंधन 16 समूह से शुरू हुआ था, पटना में, बेंगलोर जाते जाते 26 समूह बने, आप मुंबई जब आए तो भाजपा बौखला गई, डर गई इंडिया के इस मजबूत गठबंधन से, विपक्षी दलों के जो धर्मनिरपेक्ष है, जो संविधान लोकतंत्र की लगातार हत्या जोरी से बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। आप बौखलाए तो आपने एनसीपी, शिवसेना पर हमला किया, उस पार्टियों पर, उन्हें दो पार्टी, तो बौखलाहट आपकी दिख रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।